नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा राणा। आइए अब नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग, यह नेता करेगा चीन का प्रतिनिधित्व। वर्ल्ड कप 2023 के लिए गौतम गंभीर ने चुने अपनी पसंदीदा 15 भारतीय खिलाड़ी, इन स्टार्टर्स को दिया झटका। स्नातन को लेकर टिप्पणी पर अड़े स्टालिन, कहा फिर बोलूंगा वही बात। अब खबरें विस्तार से। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली क्योंग सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उन्होंने इस बारे में पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी। वनडे विश्व कप 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट का आगाज होना है, जिसका फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। इस बीच इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपनी पसंदीदा भारतीय टीम का चयन किया। सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर उद्यनिधि स्टालिन की स्थिति जस की तस है। स्टालिन की ओर से जारी ताजा बयान में उन्होंने साफ किया है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने जो भी कहा वो बार बार बोलेंगे। हालांकि अब बयान में उन्होंने नई कड़ी जोड़ते हुए कहा है कि मैंने सभी धर्मों को शामिल किया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। मैंने अपने बयान में जातिगत मतभेदों की निंदा की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एनएमसी न्यूज के साथ।